भाई बीजेपी का है, सबको फोन करती है। आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला? हेलो, बोले मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? हेलो, अरे आप इतना डर रही क्यों? एक तो वोट गिरी कन्विंस कर रही है, बात भी सही से खुल के नहीं कर रही, यही तरीका है क्या बीजेपी वाले लोग का? बीजेपी वालों का सही तरीका है सर, आप सही तरीके से सुन भी रहे हैं। आप तो ना तो आप ना हम क्या पूछे आपसे, मैंने सुनिए। हेलो, अभी आपका कोई ना ना मेरा सही, अभी कोई नेता आएगा, कोई भी पार्टी का आएगा तो हम तो उससे पूछेंगे ना भाई कि आपको वोट दे, आप में से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्यों? तरीका होता है सर, पूछने का भी एक तरीका होता है, इस तरह से कोई बात नहीं करता है। ना ना मैं क्या पूछा, मैं पूछा क्यों दूं, इसके लिए मैं पूछा। अभी भी चिल्ला रहे हैं सर, अभी आप बात नहीं कर रहे, अभी भी आप चिल्ला रहे हैं। चिल्ला तो आप रही है, हाँ तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी आपसे वही पूछ रहे हैं। हेलो मैडम, मेरी बात सुनो, मैंने आप क्यों कुछ रीजन बताइए क्यों हम बीजेपी को बंगाल में चुने, ऐसा क्यों? बीजेपी को बंगाल में चुने क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी एक भारतीय, हम भी एक भारतीय, भारत का भविष्य किसके कौन अच्छा बना सकता है, इससे बेटर तो कोई मतलब आप नहीं समझ सकते, हम भी नहीं समझ सकते, ठीक है? नहीं नहीं, तो भारत का भविष्य कोई दूसरा पार्टी नहीं बना सकता है जी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम सुनिए, हम क्या चाहते हैं कि हम और मस्जिद बनवाए भारत में, भारत को पाकिस्तान बनवा दें, यही चाहते हैं आप? अच्छा, माने भारत भारत आपसे भारत को अगर पाकिस्तान बनाना है तो आप जिसको वोट देना दे दीजिए। नहीं नहीं, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक बीजेपी का सरकार नहीं था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान था? जी नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि आज 5 साल में नरेंद्र मोदी आया है तो भारत माने भारत हो गया, उससे पहले पाकिस्तान था क्या? पता नहीं, हो भी सकता है। सुनिए, ये टॉपिक मत बोलिएगा ना, तो बीजेपी बंगाल में, तो आज आपको हम बता दे रहे बीजेपी बंगाल में एक सीट भी नहीं पाने वाला है। अच्छा, समझ गए ना, बंगाल में बीजेपी धमकी दे रहे हैं एकदम धमकी जी। हाँ, हम आपको एकदम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि अगर आप इस स्पीच में बात कीजिएगा तो आपको एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट नहीं मिलेगा, समझ गए ना? हेलो हेलो, हाँ बोल रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि बंगाल गुजरात बन जाए? हाँ देखिए सर, आपका जो पहले कॉल सुनिए, अभी आपका जो पहले कॉल सुनिए, हम बंगाली है ना, हम बंगाली है, सुनिए, मेरा 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 काम है आपको रिक्वेस्ट करना। नहीं रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट आपको, पब्लिक को भड़का क्यों रहे हैं? मैंने पब्लिक को भड़का क्यों रहे हैं कि मंदिर ने बनाना है, मस्जिद ने बनाना है, मतलब ये राजनीतिक है? मंदिर मस्जिद तो मांगिएगा आपका वहाँ से कॉल जो आया, आप नहीं तो आप तो वहाँ से कमेंट में आया कि अगर हिंदुस्तान और मस्जिद ने बनाना है और पाकिस्तान ने बनाना है, ये कोई मुद्दा हुआ आपका? बंगाल में दंगा फैलाना चाहते हैं? नहीं बंगाल में दंगा फैलाना चाहते हैं आप? सुन, मुद्दा यही है आपका, अभी मेरा कॉल रिकॉर्डिंग हुआ, आपका जो फोन आया पहला, जो लेडीज बात की है वो मुद्दा यही बनाई, आप लोग बंगाल को क्या सोचते हैं, गुजरात बनाना चाहते हैं? अगर ये सुनिए, ये घटिया सोच रख के बीजेपी क्या आपका हिम्मत कैसे वही बात बोलने का कि मंदिर और नहीं बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान ने बनाएंगे इंडिया को? हिम्मत कैसे बोलने का? मस्जिद का बात ही नहीं है, राजनीति में मंदिर मस्जिद कहाँ का है? आपका आपका जो कॉल की वो लड़की, उसका रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग में पूरा पूरा जितना जहाँ जहाँ रैली होगा वहाँ वहाँ इस रिकॉर्डिंग में हम ओपन करेंगे, समझ गए ना? आपको नंबर कौन दिया मेरा? आपको सरकार बनाने आए, सरकार बनाने चाहते हैं, ये सरकार बनेगा आपका? हाँ? मुस्लिम को नमस्कार, मैं हूँ पुष्पा चौधरी, खबरें सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा वायरल मैसेज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी लगेगा यही सच है, यानी हम आपको एक ऐसी खबर से अवगत कराने जा रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हाथों हाथ उठाएंगे। और बात रही शेयर की, तो अगर आप नमो के फैन हैं तो आप इसे शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
आज हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर विवश कर देगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है। उसमें लिखा है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा टाइम निकाल के शेयर जरूर करें और पढ़ें भी। आगे लिखा है, अटल सरकार की तरह मोदी सरकार का पेट मत चीरो मेरे हिंदू भाइयों, एक बात गांठ बांध के रख लो, मोदी ही हम हिंदुओं की आखिरी उम्मीद बच गए हैं। बात थोड़ी कड़वी है पर कहावत है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होती और सुअरों को बढ़िया पकवान अच्छे नहीं लगते। आगे लिखा है, अगली बार मोदी नहीं आए तो ये सारे सेकुलर की खाल में बैठे जिहादी मिलकर हम हिंदुओं का ऐसा हश्र करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां अपनी बर्बादी पर आंसू बहाएंगी। फिर किसी मोदी जैसे हिंदुवादी देशभक्त को दिल्ली तक पहुंचने का सपना देखने में भी डर लगेगा। आगे लिखा है, प्यारे मात्र 12 वर्षों के लिए जात पात ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा पार्टी सार्टी छोड़ देश हित में जिन हिंदुओं को ये आभास होते हुए भी मोदी को गरियाने में एक विशिष्ट संतुष्टि का अनुभव होता है, उन्हें आज की परिस्थिति में मैं महामूर्ख ही कहूँगा। मैसेज में आगे लिखा है, याद रहे जब तक मुर्गी जिंदा रहेगी तब तक ही अंडे देगी, अटल जी की तरह उसका भी पेट चीर दोगे तो फिर लड़ते रहना इन टोपी वालों से जिंदगी भर। आगे कुछ नरेंद्र मोदी के कार्यों का विवरण किया गया है, जिसमें लिखा है, गौरक्षा मॉडल बिल आ गया, कश्मीरी पंडित वापस होंगे, कैलाश का नया रास्ता खुल गया, हरियाणा में गीता अनिवार्य हो गई, राजस्थान में योग और सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो गया, गुजरात महाराष्ट्र आदि में गौ हत्या प्रतिबंधित हो गई, हरियाणा में गाय पालने पर 200 रुपए प्रतिमाह मिलने का प्रावधान किया गया, वैज्ञानिक तक कहने लगे कि वेद और शास्त्रों में सारे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, हिंदू विरोधी पीके बनाने पर सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता बर्खास्त हो गई, प्रधानमंत्री योगी जी और योग गुरु बाबा रामदेव के सद प्रयासों से भारत देश की संस्कृति का पूरे विश्व में डंका बजने लगा है, बनारस के घाट चमचमाने लगे आदि आदि। आगे लिखा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे लिखा है, मोदी जी किसानों का बुरा सोच भी नहीं सकते, मोदी जी माँ भारती के ऐसे सपूत है जिस पर माँ भारती गर्वित है, जिसका बचपन खुद गरीबी में बीता हो वो किसी गरीब का बुरा क्यों सोचेंगे, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी की मंशा पर शक मत कीजिए, मोदी जी किसानों के दोस्त हैं, किसानों के शुभ चिंतक हैं, भारत देश के भाग्य विधाता हैं। हे मोदी का विरोध करने वाले हिंदुओं, आपके सहयोग और अंध विरोध की वजह से अगर सच में मोदी जी का आपके असहयोग और अंध विरोध की वजह से अगर सच में मोदी जी का कुछ अनिष्ट हो गया तो आप सभी खून के आंसू रोओगे, हिंदू घरों की बहन बेटियां लव जिहाद की भेंट चढ़ जाएंगी और भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनते देर नहीं लगेगी, फिर कोई पूछेगा भी नहीं क्यों मरे पड़े हो। अगर वास्तव में हिंदुत्व और भारत देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो तथ्य और प्रमाणों के साथ बात करने की आदत डाल लो, क्योंकि मोदी बोलते नहीं करते हैं। मोदी जी गुजरात में भी नहीं बोले, वहाँ भी मोदी जी ने करके दिखाया। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना, अपनी सरकार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। आगे लिखा है, अगर देश के लिए कुछ करना है तो यह संदेश कम से कम 5 लोगों और 3 समूह ग्रुपों में भेजना है, बस आपको तो एक कड़ी जोड़नी है, देखते ही देखते पूरा देश जुड़ जाएगा, बस जरा सा फॉरवर्ड करो, सिर्फ 2-3 सेकंड ही लगेंगे। जय भारत, आपका एक देश प्रेमी। ओनली न्यूज 24x7 सोशल मीडिया की ऐसी खबरों से आपको अवगत कराता रहेगा। वीडियो एडिटर पुष्पा चौधरी के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली। तो देखा आपने, हमें यकीन है कि आप इस खबर को अब तक शेयर कर चुके होंगे और नहीं भी किया है तो इसे शेयर जरूर करें और बने रहें ओनली न्यूज 24x7 के साथ। सच ही तह तक।